अस्सलामुअलैकुम हजरात, मैंने ख़वातीन हजरात नहीं बोला, इसके पीछे एक वजह है, बाद में बताऊंगा, पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अस्सलामुअलैकुम हजरात, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं डी एच ए फेज 6 में, ख़ियाबान राहत में। और यहाँ पर हम लोग क्या करने हैं, हम लोग छोटे बर्गर खाने हैं, उसको हम कहते हैं स्लाइडर्स। तारीफ़ें बहुत सुनी है, आज हम आ चुके हैं यहाँ पर बॉयज़ के साथ। अनस यहाँ पर मौजूद है, नबील यहाँ पर मौजूद है, और ये नया बच्चा हमने हायर किया है फसी, बहुत शरीफ, बहुत ही तमीज़दार इंसान, ठीक है। और हम खाएंगे यहाँ पर स्लाइडर्स, ठीक है, खाएंगे और आपको फिर दिखाएंगे, ओके। इस वक्त हमारे पास ये मौजूद हैं लोडेड फ्राइज, ठीक है। इसके ऊपर इनकी अपनी एक सॉस है, जिसको आप कह सकते हैं कि सीक्रेट सॉस, ठीक है। चिकन है और ये फ्राइज हैं, और नेक्स्ट लेवल टेस्ट। सबसे नेक्स्ट लेवल चीज़ जो है ना, वो इनकी सॉस है, सारा गेम ही सॉस का है। सॉस अच्छी होगी तो इस तरह के लोडेड फ्राइज अच्छे होंगे, ज़्यादा टैंगी होगी, ठीक है, और ज़्यादा सॉल्टी होगी, मज़ा नहीं आएगा उसमें ना। तो ये जो है ना, इट्स अ गुड थिंग, स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ है, आगे देखते हैं क्या होता है। अनस तो खामोशी से खाई जा रहा है, और इसने तकरीबन आधा ख़त्म कर दिया। क्या सीन है भाई, ये टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। टेस्ट तो हमें भी पता है बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ तो है क्या उसमें भाई। इसमें क्या कहते हैं, इनकी सॉस जो है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि इस तरह की सॉस मैंने नहीं देखी यार, देखी नहीं खाई भी नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, इसके ऊपर जो गार्निशिंग हुई है ना, टॉपिंग डली हुई है पिकल्स की, हैलेपिनोज़ की और ओलिव्स की, बाप सीन है। अनस कह रहे हैं इनकी सॉस जो है ना, जावेद निहारी से अच्छी है। बहुत आला सॉस। विंग्स का तरीका ये होता है कि इसके अंदर का आपने ढांचा निकालना है बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से। कोशिश ये करें कि इस दूसरी वाली जो हड्डी है ना, इसको भी आप थोड़ा सा यूं करें और खत्म, धो के शेल्फ में रख दें। बारबेक्यू विंग्स, उसके ऊपर बारबेक्यू विंग्स, ऊपर तिल लगे हैं, और विंग्स जो है ना उनकी क्वालिटी है कि ऊपर एक स्किन आ रही है चिकन की, वेरी नाइस। और क्या गला हुआ है, टेंडर, नॉट टू जूसी बट नाइस। डायन भाई ने हमें बना के दिया है, और लॉलीपॉप की तरह दिखने वाला लॉलीपॉप, यार टेस्ट तो काफी अच्छा है। पहले ये निकाली आपने, ढीली हो गई ये ना, हो ये बहुत आला ब्लैक अप को। मैं कभी भी विंग्स का इतना बड़ा फैन नहीं था, मगर ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है कोई, आज तो मैं विंग्स का फैन हूँ। ये अब्दुलरहमान साहब बैठे हैं, ठीक है, यहाँ को ऑन करते हैं जगह को। सवाल ये है कि कोल्ड ड्रिंक कौन कौन सी है आपके पास, मेन क्वेश्चन। कोल्ड ड्रिंक हमारे पास कोक है, स्प्राइट है, फेंटा है। बंदे ने कहा कोक है, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी, मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं ले सकता, लेकिन कोलाची जैसी जगह पर आपको कोक नहीं मिलेगी सर, कैफ़े फ्लो पर कोक नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ है। इसके लिए चाहिए बहुत बड़ा जिगरा रखने के लिए सर, बहुत बड़ी बात है, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे, कोक के फैंस की दुआएं लगेंगी आपको। मैं खा रहा हूँ सर चीटोज बाइट, क्या चक्कर है इसका बता दूँ, अंदर टेंडर चिकन है, उसके ऊपर चीटोज की कोटिंग हुई है, और उसके ऊपर सॉस है, वही वाली सॉस है, ये जो बता नहीं रहे कौन सी सॉस है, लेकिन ये वही सॉस है, बहुत ही नई चीज़ है, मतलब नगेट्स वगैरह से ना एक अच्छी चीज़ है। आप लोग चिकन के वो जो हॉट शॉट्स खाते हो उससे बेहतर चीज़ है सर, खाएं प्लीज़। नई चीज़ है और अच्छी है काफ़ी, ये फ्राइड है और जूसी अंदर से भी, हल्का सा जो चिटोस का टेस्ट आ रहा है ना वो भी अच्छा लग रहा है, तो ट्राई करना चाहिए। ये दिख रहे हैं, ये जब मैंने खाया अच्छा था, थोड़ा सा मशकूक था, मतलब मुझे लग रहा था किसी चीज़ की कमी है, अब इन्होंने ये दे दी मुझे इसके साथ ना चीटोस सॉस, नहीं बता रहे किस तरह से बनती है, लेकिन इसके अंदर आपने पूरा डिप करना है, और उसके बाद बहुत आ रहा है, अभी आपको मैजिक शो दिखाने वाला हूँ मैं, चलें जी। ये है क्रेज स्लाइडर्स की, इसमें आते हैं दो स्लाइडर्स और ये उसकी स्लीव होती है, ईजी टू हैंडल स्लीव, हाँ आस्तीन उसको कपड़े पहनाने के लिए, देखिए ये है ईजी टू हैंडल है ना, हमने इसके यहाँ पे पोर्शन टाइप का भी बनाया हुआ है, आराम से आपने अंदर से पिक किया और बाहर निकाल लिया, ये ऐसे इस तरह से आएगा, इस तरह से पैकेजिंग आई लाइक इट, मैं मजाक कर रहा था मैं, लेकिन अच्छा सीन है, वेरी क्रिएटिव, वेरी मिनिमलिस्टिक। दो हो गए, इसमें आ जाएंगे, हाँ इसमें सिर्फ ट्रे जो होगी, ये ट्रे इसमें एक ये आ गई और रिकॉर्ड ट्रे आ गई, और जो थ्री बॉक्सेस का है उसमें फिर थ्री ट्रेज आ जाएंगी और स्लीव एक। हमारी पैकेजिंग की कॉस्ट भी बताई कि हम लोग ट्रे सेम है और सिर्फ स्लीव्स तीन वैरायटी की। बहुत आला, इसी बात पर आज़ाद भाई, आज़ाद चाय वाले से बात करो, आज़ाद भाई वो हमारे सबसे बड़े टीचर, प्लीज़ यू लाइक हिम, आई लव हिम भाई, बताओ हाँ आई लाइक यू, हम उनको फॉलो करते हैं, वो हमारे टीचर है, मेंटोर है। मेंटर क्या रहा है, मेंटोर कह रहा है, मेंटल मेंटोर मेंटोर है, मेंटोर है, ठीक है। आज़ाद भाई जिंदाबाद। खवातीन हजरात, मेरे साथ कुछ बर्गर की जायज़ औलादें मौजूद हैं, और
बहुत छोटे छोटे इनको जो है ना ये कहता है कि मैं बड़ा होकर बर्गर बनूंगा लेकिन इसको स्लाइडर्स कहते हैं। स्लाइडर्स मतलब कि आपके मुंह में स्लाइड हो जाते हैं, इस तरह से अक्सर व बेशतर हारून साहब जो हैं वो लड़कियों के टीम्स में स्लाइड इन होते हैं इस तरह से। तो इनको खाएंगे बताएंगे कैसे है। ये है बीफ चिपोटले, ठीक है। इसके अलावा नैशविल चिकन, नैशविल नैशविल की कहानी ये है कि ये बहुत मिर्चों वाला होता है बेंत है। और दूसरा जो है ना चीटोज हमारे पास मौजूद है स्लाइडर। अब्दुलरहमान से मैं पूछना चाहता हूँ कि यार तुमने इतना अच्छा स्लाइडर बनाया, ये चीटोज वाले जो है ना ये नगेट्स स्टाइल की तुमने बनाए, फ्राइज बनाए, ये कहाँ से सीखा है तुमने, कौन है तुम्हारा उस्ताद? हमारे उस्ताद है यूट्यूब उस्ताद। हमारी जितनी भी रेसिपीज़ हैं, जितनी भी सॉसेज हैं, हमने यूट्यूब से सीखी हैं। उसके अंदर हमने आगे जाके चेंजेस करी हैं, बट हमें जो सिखाने वाला और हमने जहाँ से सीखा वो यूट्यूब था। हमारे पास मौजूद है क्या है, बीफ चिपोटले, छोटा सा है बर्गर लेकिन काफ़ी अच्छा है, जूसी है, जो बीफ है ना बहुत आला बना हुआ है। जैसे कि अनस आपको दिख रहा है चीटोस खाता हुआ, मैं खा चुका हूँ, क्या बेहतरीन है यार ये, ठीक है। इसके अंदर चीटोस का हल्का सा फ्लेवर आएगा जैसे आप खाएंगे ना, और उसमें हलक से उतरने से पहले पहले चिकन का फ्लेवर आएगा, ठीक है। और ये जो बन है ना ये इतना सॉफ्ट और इतना फ्रेश है कि आपको मज़ा आ जाएगा सर। ये जो है ना इसको कहते हैं नैशविल स्लाइडर। अमेरिका की एक सिटी है नाम है नैशविल, वहाँ से ये सॉस निकली थी। कहते ही हैं कि बे इंतहा मिर्चे, हम जो लोग चिप्स खा चुके हैं हमें पता है मिर्चें क्या होती हैं। आई होप कि इसको मैं बर्दाश्त कर सकूँ इंशाल्लाह। मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं, उन्होंने थोड़ी सी कम रखी हुई हैं तो आपकी ज़बान पर और होठों पर जलन नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जब आप खाएंगे तो ये जो हिस्सा है ना आपका, यहाँ थोड़ी सी आपको तड़प महसूस होगी। अगर मिर्चें पसंद है इस तरह की, आई वुड रिकमेंड इट। जब आप सेवरी फूड खाते हैं इस तरह का नमकीन, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, क्या मीठा। मीठा हमारे पास है नोको लाटो शेक, पियेंगे ऐसा लगेगा कि बिल्कुल न्यूटेला शेक पी रहा है, अमेजिंग, रेकमेंड करता हूँ। मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है, चीटो बाइट्स रेकमेंड करूँगा, नैशविल स्लाइडर रेकमेंड करूँगा, और बीफ स्लाइडर तो लाजमी है ना, वो लाजमी खाना है आपने, और उसके बाद ये पीना है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अनस से पूछते हैं उसकी रिकमेंडेशन। बिल्कुल सेम दानियल भाई वाली, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने ट्राई की हैं और हमें पसंद आई हैं। उसके बाद शेक तो है ही, शेक हम खुद भी हैं बहुत ज़्यादा भाई। सबसे पहले आते के साथ ही जो है ना आपको फ़ौरन मंगवाना ये चीटो बाइट्स, उसके बाद फिर आपको मंगवाना है चिपोटले बीफ बर्गर, सही है। उसके साथ आप फ़ौरन बाद जो है ना खाना, जैसे ही आपने आखिरी नाला रखा है नीचे, आपको मंगवा लेना वो शेक सामने रखा है। मैंने बिल्कुल पहली बार मैंने बोला सही प्रोनाउंस किया, बहुत मुश्किल था काम। मैंने जो जो खाया ना सब अच्छा था। यहाँ पर डाइन इन का सीन नहीं है, डाइन आउट का सीन है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा टेक अवे डिलीवरी बेस्ट। अब मेरी तरह से तुम लोगों को एक तोहफा है, अगर यहाँ से कभी भी ऑर्डर करना हो, ठीक है, आपने मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करना है दानियाल DANIYAL 20% 20% डिस्काउंट मिलेगा तुम लोगों को इंशाल्लाह। ओके, मेरी आपको ये सजेशन है, दरख्वास्त है कि ये जो है ना स्पेशली DHA क्लिफ्टन गिजरी वाले इलाके में सारे का सारा जो है ना ये टेक अवे और डिलीवरी का सीन है, लेकिन जल्द ये बहादराबाद में भी आ रहा है, तो फिर पूरा PCHS पूरा PCHS कवर होगा, ठीक है। तो आपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, उनकी सहेलियों के साथ आना है, यहाँ पर खाना है और हमें बताना है, लाजमी बताना है। जो चीज़ें मैंने तुम लोगों को रेकमेंड की हैं ये टॉप नॉच है यहाँ की, ठीक है। और इस तरह के यंगस्टर्स के स्मॉल बिजनेस को, ग्रोइंग बिजनेस को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ कहेगा हारून, खुश रहे, दुआ में याद रखें, और अल्लाह हाफिज़। सही है, बहुत अच्छा दिया।